मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। राजस्थान की राजनीति में अब ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इतिहाद उल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय संयोजक असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में होने हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पार्टी की राजस्थान इकाई की औपचारिक शुरुआत जल्द ही कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ओवैसी ने कहा है कि हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम राजस्थान में पार्टी को लॉन्च करेंगे और यहां पर नई शुरुआत करेंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने अभी यह नहीं बताया है कि वह राजस्थान की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर AIMIM के सदर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राजधानी जयपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जल्द ही कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी राजस्थान में जाएंगे और वहां अलग अलग इलाकों का जायजा लेकर कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। पिछले दो दिनों से राज्य में 30 नए कोरोना पीड़ित केस मिले हैं। वर्तमान में एक्टिव केसों की भी संख्या 75 के पार पहुंच गई है। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने से एक बार फिर सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें, प्रदेश में डेंगू भी लगातार घातक होता जा रहा है। डेंगू की चपेट में आने वालों की संख्या 14,000 तक पहुंच गई है। डेंगू से अब तक राजस्थान में 70 लोगों की मौत हो गई है। इसकी अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। राजस्थान में उपभोक्ताओं को अगले 3 महीने तक बिजली का बिल बढ़कर आएगा। तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने 33 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। यह फ्यूल सरचार्ज अप्रैल 2021 से जून 2021 के लिए 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगाया गया है। यह सरचार्ज हर महीने बिल में जुड़कर आएगा। ऐसे में 550 करोड़ रुपए सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियां वसूलेगी, यानी कि अब की बार बिजली के बिल बढ़कर आएंगे। महंगाई के इस दौर में प्रदेश की जनता को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको थोड़ी सी राहत जरूर दे सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी आज पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि पेट्रोल डीजल को लेकर राहत देने को लेकर राज्यों में हो रही प्रतिस्पर्धा के बीच हमने भी कैबिनेट की बैठक बुलाई। ऐसे में माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाने को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इस बैठक में अगर गहलोत सरकार पेट्रोल और डीजल के वेट में कमी करती है तो राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता मिलने लगेगा। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, लंबे समय के बाद मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 17 नवंबर को कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 नवंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया से बारिश के आसार राजस्थान में एक बार फिर से बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और वहां से चली पूर्वी हवाओं के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग अब तेज हो गई है। अभ्यर्थियों ने प्रदेश के करीब सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। जिला स्तर पदाधिकारियों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंप कर कहा गया है कि 2 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 कर देनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो वाकई में प्रदेश के बेरोजगारों को कहीं न कहीं बड़ी सौगात मिल सकती है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि यहाँ पर आप अपडेट रहते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।